सर मेरा एक कौन क्वेश्चन था। कौन बोल रहा है सर? आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज कट रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही भाई? हाँ सर, आप कुछ नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ, तो मैं तो स्ट्रॉन्ग वाईफाई में बैठा हूँ भाई। हाँ योगेश, किसका क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? नेटवर्क सही है सर। आपने जैसे बताया कि अभी मैच्योर हो जाओ फिर फिल्म इंडस्ट्री का आया, तो सर मैंने अभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ कर लूं, मैं बस ये लॉकडाउन खत्म होते मुंबई आपके वाली बातें हूँ कि पहले खुद पे काम करो, स्किल्स डेवलप करो। आप पहले मुंबई तो लाइफ तो बनो, तब मुंबई जाओ। लेकिन सर मैं उससे पहले ये चाह रहा हूँ, अगर हमारी फेस वैल्यू बन जाए, जैसे कि आज के डेट में मेरा यूट्यूब पे चैनल है, मेरे पे अच्छी खासी मतलब पब्लिक आती है और सर फेस वैल्यू थोड़ी थोड़ी अब ग्रो होना स्टार्ट हो चुकी है, तो मेरा काम आएगा इंडस्ट्री में। देखिए, अगर आप कहते हो फेस वैल्यू बन जाए और यूट्यूब पे कुछ काम करते हो, डेफिनेटली, लेकिन आप उस लेवल तक पहुंचो तब बात है। ऐसे तो टिकटॉक वालों को भी लगता है कि मैं टिकटॉक में टिकटॉक बनाता हूँ, मेरे बहुत सारे व्यूज हैं, तो मुझे फिल्म लाइन में काम मिल जाएगा, तो चांसेस नहीं है। तुम्हारी साउंड गई, साउंड गई तुम्हारी, टिकटॉक मैंने वही कहा ना, अगर यूट्यूब पे अगर अच्छा काम कर रहे हो, यूट्यूब पे क्या है आजकल मैंने देखे हैं, यूट्यूब पे आप छोटी छोटी फिल्म बनाते हो, वो माइम टाइप कुछ होती है, उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलना। आप यूट्यूब पे क्रिएटिव कुछ ऐसा कॉन्टेंट लेके आओ जो बहुत ही यूनिक हो, जिसको देख के इंडस्ट्री वाले कहें यार कमाल का लड़का है। अब और आज की डेट में अब तुम्हें क्या लगता है वो एक दिल्ली का लड़का है, बढ़ाना कोई बढ़ाना, हाँ तो क्या आपको लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उसको काम मिलेगा? नो सर। सी, जबकि अच्छा क्रिएटिव वर्क करते हैं भाई, वो अच्छा काम करता है, बहुत बड़ा आज के डेट में यूट्यूबर है। आपको, आप एज एन आर्टिस्ट क्या करते हो, ये इम्पोर्टेंट है। जी सर, ठीक है। वेल, अब बात होती है कृष्ण से। कृष्ण का नैया, क्या हाल है भाई? बस आपका आशीर्वाद, गुरुदेव चरण स्पर्श सबसे पहले तो शुक्रिया। शुक्रिया भाई, धन्यवाद। सर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, राजस्थान में भिलवाड़ा का। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। मैंने आपको पहले बताया था पर आपसे बात नहीं हो पा रही, मैं 4:30 बजे से बैठता हूँ कि सर से बात करूंगा आज तो किसी हालत में। तो बात कर ले, टाइम निकल जाएगा। सर सर से जुड़ा हुआ, लॉकडाउन खत्म होने के बाद 5 से 7 बड़ी फिल्में हैं जिनमें अच्छा कैरेक्टर है उनके अंदर मेरा। जैसे अच्छा। अभी एक फिल्म की थी मैंने रणभूमि, हिंदी फिल्म की थी। बेटा जो मैं बता दूं, जो तुम हिंदी फिल्म की बात कर रहे हो कि हिंदी फिल्म की थी, देखो ऐसे आप अपने शहर में होते हो और कोई फिल्म बनती है आपके शहर में और आपको ले लिया जाता है, तो उसको आप ये नहीं आंको कि मैंने फिल्म करी है। देखो ऐसे रोल तो हजारों मिल जाएंगे, आप अपने शहर में हो, हाँ भाई आ जा भाई, राजस्थान जा रहे हैं कौन कौन लड़के जो एक्टर जिनकी शक्लें अच्छी, आ जाओ भाई, ठीक है। तो उसको अगर आप एज एन आर्टिस्ट मानते हो तो यही तो गलती करते हो आप लोग। क्या आपको लगता है कि नहीं यार मुझे काम मिल गया, अब तो मेरी लाइफ बन गई? मेन काम जब आप मुंबई में आकर आपकी एज एन आर्टिस्ट पहचान बने, आप जो किरदार करें उस किरदार का कोई नाम होना चाहिए। अगर आप भीड़ में एक डायलॉग बोलते हो तो वो मतलब वो किसी काम का नहीं है। लेकिन नहीं सर, नहीं सर, कर देखो देखो गांव वालों, साक्षी आ गई। ऐसा कुछ नहीं है सर। नमस्ते सर, बोलो साक्षी, कैसे हो? मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपके मोस्टली सारे सारे वीडियोस देखती हूँ और बहुत गाइडेंस मिलता है, बहुत हेल्प मिलती है, लाइक बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। मेरा एक क्वेश्चन था, एज अ फीमेल एक्टर, मैं मुंबई में रहती हूँ, अंधेरी ईस्ट में, जीबी नगर में। जैसे अभी आजकल कास्टिंग डायरेक्टर्स है, पहले डायरेक्टर थे लेकिन आजकल कास्टिंग डायरेक्टर को थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंस मिल गया है, जब से वो गैंग्स ऑफ वसेपुर का मतलब कास्टिंग हुई है तब से। तो 99% मतलब कास्टिंग डायरेक्टर्स लाइक लड़कियों के लिए मतलब थोड़े बुरे ही है उस तरह से, तो मैं कैसे हैंडल करना या फिर कैसे समझना, बस उतना ही पूछना था सर आपसे। सिंपल सी एक बात समझ लो, एक बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आप में टैलेंट है, अगर yes, आपको sir. लगता है कि मैं एज एन आर्टिस्ट बहुत कमाल की हूँ, तो कोई yes, sir. आपको कितना भी बरगला ले आपको कुछ कर नहीं सकता जब तक आप ना चाहो, पहली yes, बात। दूसरी बात, आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत। हाँ सर, इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि कैसे कैसे फेक लोग कैसे क्या काम करते हैं, फेस जो हाँ. फेक लोग हैं उनका तरीका क्या होता है।
हाँ सर वो वीडियो देखा है मैंने, बट मेरा मानना ये है कि 99% अगर लोग वैसे ही है तो फिर हम क्या करें, लाइक 1% को ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। वो 1% की जो 1% का जो क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा है, एक बात याद रखना। यस सर, 1% में अगर आपके पास 1% में अगर आपके पास 10 कास्टिंग डायरेक्टर हैं जिनको आप जानती हैं, आपका उनसे ही काम चल जाएगा, क्योंकि 10 से 20 को मालूम पड़ेगा। आप ये बात ध्यान रखो, अगर मैंने बताया कि जय मेहता प्रोडक्शन में काम होता है, अगर मैंने बताया कि विशाल काम करता है, अगर मैंने बताया कि लीना चौबे काम करती है, तो आपको अगर मैं 10 कास्टिंग डायरेक्टर्स का बारे में बता रहा हूँ तो अगर आप उनको ही अप्रोच कर लोगे तो ही आपके रास्ते खुल जाएंगे। वो 10 के 10 आपको आगे 20 के पास भेजेंगे, आपको कहीं जाने की भटकने की नीड ही नहीं है। कॉल कर रहा है तो जाके कम से कम 250 है। Yes. अब तू ये सोचेगा कि 250 वीडियो कौन देखेगा यार, मुझे बस यही से सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, जब एक एक चीज के बारे में मैंने बता दिया, एक एक चीज पता है यार, मैंने क्या क्या नहीं बताया तुम सोच भी नहीं सकते। तो एक बार वो देख ले बेटा जाके, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है सर, मेरे वीडियो 2 साल में खत्म हुए आपके। मैंने एक भाई साहब तुम 2 साल सोचो ना, मैंने कितनी मेहनत करके मैंने 2017 से लगातार वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बना रहा हूँ। हाँ। कम से कम आपको कुछ पूछना ना पड़े। मुंबई फिल्म एक आ रही है, बॉम्ब वो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है, तो कई लोग कह रहे हैं आने वाले समय में सिनेमा बंद हो जाए, वो लोग सिनेमा नहीं जाएंगे, सिर्फ उस पे OTT प्लेटफॉर्म पे ज्यादा फोकस करेंगे आने वाले। देखिए OTT प्लेटफॉर्म तो बढ़ेगा, नो डाउट, ये तो इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। अगर अगर OTT प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आज के डेट में हम लोग लॉकडाउन में बोर हो चुके होते। OTT प्लेटफॉर्म और हमारा इंडिया OTT प्लेटफॉर्म में बहुत पीछे है। OTT प्लेटफॉर्म ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा है, यू नो। हमारे यहाँ हम अभी सुनते हैं, आज आपने तीन चार साल में नेटफ्लिक्स का नाम सुना होगा या आपने, लेकिन ये चीजें बाहर जुड़ू है, पता है कितने OTT प्लेटफॉर्म है। अब इंडिया में आया है। रहा थिएटर कभी बंद नहीं होगा, सिनेमा हॉल कभी बंद नहीं होंगे। उसका रीजन ये है, थिएटर लाखों साल से, आज सिनेमा हॉल भी आ गए तब भी थिएटर आज भी लोग करते हैं, आज भी थिएटर के लिए लोग पृथ्वी थिएटर जाते ही हैं, आज ही मंडी हाउस जाते ही हैं। तो थिएटर कभी बंद नहीं होगा और सिनेमा हॉल कभी बंद नहीं होंगे। हाँ, उसके तौर तरीके चेंज हो जाएंगे। उसका 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 हो सकता है कि शायद अब आप बाजू बाजू बैठे हो, आप शायद डिस्टेंसिंग के हिसाब से बैठोगे, यू नो। जब तक कोरोना का डर है तब तक, जिस दिन इसकी वैक्सीन आ गई उसके बाद जयराम जी की, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी चीज की वैक्सीन नहीं आई, इसकी भी आएगी। तो ये कहने वाली बात है। ये तो अगर लक्ष्मी बॉम्ब आ रही है वो इसलिए क्योंकि यार इतनी बड़ी फिल्म है, अगर रिलीज लेट करेंगे तो उसके खर्चे बहुत हैं, लोगों को पैसा देना है, तो भाई OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे डाल दो, पैसा अच्छा मिलेगा। तो वो एक रीजन है, बाकी बंद कुछ नहीं होना। ठीक है, और कोई सवाल? सर मुझे भी एक डाउट था। बोलिए सर, जैसे कि मतलब आपने वीडियो में बताया था कि ऑडिशन के लिए प्रोडक्शन हाउस का एड्रेस देखो और वहां पे जाके पता करो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है कि जिसपे हमें पता कर सके कि हाँ अभी इसका ऑडिशन होने वाला है, इसका होने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो फेक होगा। ओके सर, ऐसा होगा तो फेक होगा। लोग कई बार क्या करते हैं, आपने देखा होगा व्हाट्सएप ग्रुप लोगों ने बना रखे हैं कि हम आपसे पैसे लेंगे 300 रुपए और उसपे आपको हम लोग अपडेट देंगे कि ऑडिशन कहाँ हो रहा है ना। Yes, sir. उसपे भी वो फ्रॉड ही है। उसमें आप देखो वो रैंडमली कहीं से उठा के डाल लेते हैं, उसमें आपको पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। जितने भी बड़े एक्टर्स हैं या जितने भी हमारी इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं वो जाके बात करते हैं, वो देखो यू हैव टू बी गो देयर एंड मीट पीपल, सिंपल। आपको जाना होगा, आपको लोगों से मिलना होगा। आप हम लोग क्या करते हैं, हमारे साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि मैं सूरत में बैठा हूँ और यार मुझे मुंबई का पता चल जाए कि वहां ऑडिशन है, मैं वहीं जाके देके आ जाऊं क्योंकि मेरा टाइम बचेगा, पैसा बचेगा, है ना। ऐसा नहीं होता। आपको हम सोचते क्या है यार, मैं अभी कलकत्ता में हूँ, कलकत्ता से अब दिल्ली, कलकत्ता से मुंबई जाऊंगा, ऑडिशन पता ही नहीं है तो मेरा पैसा वेस्ट होगा, ये तो ये तो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ तैयारी के साथ आओ, और आप जाओगे आपको एक बार तो राउंड मारना पड़ेगा। हम ये स्ट्रगल वर्ड जो है ना, स्ट्रगल,
ये स्ट्रगल वर्ड क्यों आया, इसलिए आया कि भाई ये स्ट्रगल तो सबको करना पड़ता है। ओके सर। आप जाओ, अगर आप किसी से, ये हमारी जो इंडस्ट्री है वो क्रिएटिव इंडस्ट्री है, क्रिएटिव वर्क होता है, क्रिएटिव वर्क जब तक दिखेगा नहीं लोग आपको काम देंगे नहीं। ओके सर। सिंपल सा फंडा है, अगर मैं एक राइटर हूं तो मेरी क्रिएटिविटी जब तक दिखेगी नहीं किसी प्रोड्यूसर को, वो कैसे काम देगा। मैं राइटर हूं, मैं ना सर मैं पंजाब में रहता हूं, सर क्या मुझे, मैं आपको सुनाऊं क्या, खत्म, ऐसा नहीं होता। ओके सर। कहानी सुनाने का तरीका होता है, अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, अपने आप को ये जताने का तरीका होता है कि मैं पैशनेट हूं और मैं इस चीज के लिए बना हूं और आपको मेरे से बढ़िया ऑप्शन नहीं मिलेगा, और जब तक वो सामने वाले की नजर में नहीं दिखेगा वो आपको काम नहीं देगा। यस सर। ठीक है। यस सर। चलिए, बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई, आज तो भौकाल हो गया, मतलब आज तो हमने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कल भी है ना। अबे यार बच्चे की जान लोगे तो सर परसों रख लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, आज कोई काम था नहीं है, मुझे अपना, मुझे भी अपना ऑडिशन रेडी करना है, मतलब आप यकीन मानोगे मैं झूठ कभी नहीं बोलता हूँ। ये देखो मैं दिखा भी देता हूँ आपको, एक मिनट, ये देखो, अरे यार दिख रहा है, ये मेरे को स्क्रिप्ट आई है। हाँ हाँ हाँ, ये स्क्रिप्ट आई है और ये डिम, ये एसएल एसएल विजन एक कंपनी है, उन्होंने मुझे अभी भेजा है कि आप दर्पण जी करके भेज, तो मुझे ये बना के भेजना है, ऑडिशन करना है, उसके लिए मेरे को दो दिन से आया तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ कि कैसे बनाऊंगा। और उसका डायलॉग कुछ इस तरह का है कि हम आओ माधव डकैत, हाँ पतो है पतो है पतो है कि कहाँ पूछोगे आप, कि डकैती तो करते नहीं हो आजकल, हाँ तो डकैत की तसर है, कहा करें ये आत्मा तो डकैतन की है, तो इस तरह के डायलॉग है। सर ये यूपी एमपी का मिक्स का है लैंग्वेज। हाँ तो इस तरह के डायलॉग्स हैं, तो वो अभी मैं प्रिपरेशन में लगा हूं, तो टाइम शायद मिले ना मिले कल परसों में, फिर मेरे को अपनी, फिर आपके लिए वीडियो बनाना है कि भाई मेरा अगला वीडियो आएगा बॉडी लैंग्वेज पे हो सकता है, और एक स्टोरी और स्क्रीन पे नरेशन पे हो सकता है कि स्टोरी कैसे नरेट करते हैं और स्क्रीन पे कैसे नरेशन दे सकते हैं, यू नो कैसे हो सकता है, तो उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ क्या, बिकॉज मैं कभी भी, आप नोट करो, मैं ऐसी कोई वीडियो नहीं ले आता हूँ, मैं सोचता हूँ पहले कि मैं आपके लिए क्या, उससे क्या बेटर हो आपके लिए, तो जैसे ही मौका मिलेगा आएंगे, और मैं आपको आधे घंटे पहले अपडेट दे देता हूँ कि आधे घंटे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा कि भाई आ रहे हैं, है ना। ठीक है, ओके ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखें, सब खुश रहें, ओके और आप भी ध्यान रखिएगा, सेफ रहें, घर पे रहें और सुरक्षित, कोशिश करें अपने आप को बिल्कुल इस वक्त पॉजिटिव अपने आप को रखें, एनर्जी हाई रखें, नेगेटिव चीजें मत सोचें, क्योंकि डिप्रेशन वाला टाइम है, ये बहुत डिप्रेशन होता है अकेले बैठा और घर में बंद है, तो उन चीजों से हटते हुए क्रिएटिव वर्क सोचें, लिखें, कुछ अच्छा करें, ठीक है ना। ओके बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, बाय सर।